विद्यार्थियों, मैं आपको विषय गणित में त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आपका नया विषय है, चैप्टर है आपका गणित में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में एक संबंध स्थापित करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ है किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध को एक त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। यहां पर आपको त्रिकोणमिति में सबसे जो पहले काम करेंगे हम वो करेंगे ये त्रिकोणमिति में त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उसका संबंध कोणों से, और ये केवल एक समकोण त्रिभुज पर कार्य करता है। त्रिकोणमिति में त्रिभुज में हम केवल एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज पर ही अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में आपका सबसे पहला नाम आता है साइन थीटा, दूसरा नाम आता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेट थीटा और कोसेट। थीटा मीन्स अगर मैंने यहाँ पे थीटा लगा दिया तो आधार वाले कोण को थीटा कहूंगा, अगर मैंने यहाँ पे ए लगा दिया तो ए कहूंगा, अगर मैंने यहाँ पे बी लगा दिया तो साइन के साथ बी लगाऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश का है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा पढ़ चुके हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में तीन चीजें आती है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और जो कोण आपने साइन के साथ लगाया है चाहे ए हो थीटा हो बीटा हो गामा हो उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, और जो तीसरी भुजा है उसको कहते हैं आधार। तो यहां हम थीटा के साथ इस त्रिभुज की भुजाओं का संबंध करेंगे। यहां पर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। नब्बे अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तीसरी भुजा आधार,
समझौते हो। अब ये इतना याद करने के बाद में फिर हम चलते हैं इसमें मान कैसे निकालेंगे। यहां पर आपको जैसे लंब का मान दिया, आधार का दिया, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण का दिया, आधार का दिया, तो लंब कैसे निकालेंगे? यानी समकोण त्रिभुज में परिभाषा होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की सामने वाली भुजाओं पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। यानी अगर मैं इसको सूत्र रूप में लिखूं तो मैं लिखूंगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर इस वाले त्रिभुज को लेता हूं तो कर्ण का मान है यहां पे मान कह दूं ए सी, लंब का मान है बी सी और आधार का मान है यहां पे ए बी। यानी इस त्रिभुज में आपको एक सूत्र मिला पाइथागोरस प्रमेय से, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब आपकी तीन भुजाएं हैं यहां पे त्रिभुज की, दो भुजाएं के लिए कर्ण निकालना तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर आपको आधार निकालना, आधार माने ए बी, तो आपका फॉर्मूला बनता है ए बी का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी का तीसरा फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है अगर आपको लंब निकालना है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ये आपके तीन सूत्र इधर आते हैं, छह सूत्र इधर आते हैं। अब हम चलते हैं और आगे